भालू गांव में, जिसमें बच्ची की मतलब तेंदुए ने बच्ची को पकड़ लिया, क्या है प्रमाण? कल वही शाम करीब 7 बजे मेरी बच्ची घर से बाहर निकली, जो बाउंड्री का गेट था उसी को बंद करने पिताजी खड़े थे, वहीं 5 मीटर की ही दूरी पर तेंदुए ने वहां से छलांग लगा करके लीक के इस पार आकर के बच्ची का गला दबोच लिया। बच्ची ने बहुत हल्का सा आवाज़ किया। पिताजी दौड़े, घर के आसपास जो लोग थे वो लोग भी दौड़े, तुरंत तेंदुए को लाठी डंडा से प्रहार करना शुरू किया। तब तक वो बच्ची को नहीं छोड़ा, काफ़ी प्रयास के बाद बच्ची तेंदुए ने बच्ची को छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया। हमने आनंद फानंद में बच्ची को अपने सीएससी लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हमने वन विभाग को सूचना दी, थाना सिरसिया को भी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारी DSO रात में पहुँचे 10 मिनट के लिए। उसके बाद अभी तक कोई न वन विभाग का अधिकारी न कर्मचारी अभी तक कोई नहीं आया है। और DSO साहब बच्ची को ला करके शव को PM के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं इस जो घटना हो रही, जो गांव है बगल में घोलिया भी है, कितने घटने लगभग ये एक साल के बीच में कितना घटना हुआ होगा? मेरे यहाँ बालू गांव में ये 9वीं बच्ची है, इससे पहले 8 बच्चे को तेंदुए ने हमला किया, जिसमें 4 को घायल किया, 4 की जान चली गई, ये 5वीं है जिसकी डेथ हो गई। लगातार हर साल, साल में 2, साल में 1, हर दूसरे साल 1, ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। ये आदमखोर तेंदुआ है, बार बार वन विभाग से जो है आग्रह किया जाता है कि आदमखोर तेंदुआ को मारा जाए या पकड़वाया जाए, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, ना गांव के विकास मतलब जो है लाइट तार फिनिशिंग के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या लगभग तेंदुआ गांव में मतलब प्रति महीने आता है? प्रति महीने नहीं आता है, प्रतिदिन आता है, लेकिन हम लोग इतना सतर्क रहते हैं, हल्का सी कहीं चूक होती है तेंदुए ने तुरंत आक्रमण करता है। एक दिन नहीं, डेली आता है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन गांव में तेंदुआ ना आए। बालू गांव में कल जो है शाम को एक बच्ची पर तेंदुए ने हमला किया जिसकी मौत हो गई, इसके बारे में क्या कहते हैं? कल शाम को सूचना मिली थी तो तुरंत ही यहाँ पे स्टाफ आया और इंक्वायरी किया, उसके बाद यहाँ पे एक तेंदुए ने हमला किया था बच्ची पे, उसको लेके हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो अभी हमारे SDO साहब रात से मौजूद हैं, हम लोग पूरा स्टाफ है और जो रिपोर्ट होगी ऊपर भेज के, और आपदा राहत को जो राज्य सरकार ने वो किया है उसी के हिसाब से तुरंत कंपनसेशन देने का इसमें रहेगा। सर, परिजन का ये आरोप है कि जो है वन विभाग के द्वारा जो है कि मतलब सुबह तक करीब 9 बजे तक हमारी जो बात हुई है ये कोई कर्मचारी यहाँ आया नहीं, ये आरोप, और लगातार यहाँ तेंदुए का जो है कहर जारी है कई 3 सालों से, करीब 8 बच्चों की जो है इसमें जाने जा चुकी हैं, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, स्टाफ तो रात में ही सूचना मिल गई थी और SDO साहब खुद थे और हमारे स्टाफ भी थे हॉस्पिटल में या यहाँ पे भी, और जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन एक करने की बात है तो उसके लिए एक प्रस्ताव बना के बात की जाएगी फेंसिंग के लिए और सोलर लाइट के लिए, जिससे कि इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। सर, ये मतलब 8 बच्चों की जाने जा चुकी हैं और प्रशासन अभी तक सोया हुआ है, इसके ऊपर क्या कौन सी कार्रवाई की जाएगी? जो ये आदमखोर तेंदुआ है, ये मतलब जो नर बच्ची हो चुका है, इसके लिए क्या कर रही है आपकी टीम? नहीं, वही इसी के लिए एक ड्रोन हम लोग मंगाए हैं और इसमें आसपास पूरा देखा जाएगा, जहाँ भी ड्रोन कैप्चर करेगा लेपर्ड मिलेगा तो उसको ट्रैप किया जाएगा। इसके अलावा फेंसिंग और ये सोलर लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है, और प्रशासन सब SDM साहब भी आए थे, SDO साहब भी थे, हम लोग भी थे यहीं पे, और सब लोग जितना विभाग और प्रशासन पूरा गांव वालों के साथ है, जो भी इसमें आवश्यकता होगी तुरंत किया जाएगा। सर, परिजनों का ये लगातार कहना है कि कितनी जाने जाएंगी उसके बाद ये नहीं, काम किया जा रहा है, इसमें प्रोजेक्ट भी भेजे गए हैं और अब तुरंत काम इसमें किया जाएगा। धन्यवाद। बीचों को उठावागा तब ठेना लावागे भैया, पकड़ लेते हैं, क्या करना है पता है? जब भी मतलब लोग रहेंगे ना, आग जलाना है, आग देख के कभी आता नहीं। आग तो साहब के टाइम जब तक सोएंगे नहीं तब तक आग जला के रखा। तब तक तो सर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। Thank you.
डायरी कहाँ बनने वाली पीछे बैठ जाओगे परिवार।